वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल केनी। में किस किस को लगता है कि हमारी जिंदगी मजाक नहीं है? अगर मजाक ना आती तो मेरी बात सुनते। जिंदगी का असली मजाक तो ये इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं समझे ना, तुम इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हो ना? हाँ। तुम्हारा कंटेंट क्या है? पहले मैं नंगी होगी ना, फिर धीरे धीरे कपड़े पहने लोगों को सिखाती हूँ, मैचिंग यू नो। फिर मेरे को ये बताओ, इंस्टाग्राम और पोर्न में फिर फर्क क्या रह गया? उसमें कपड़े उतारते और इसमें मैं पहनना सिखाती हूँ। ये दुनिया बड़ी मादरचोद भाई, बड़ी मादरचोद। मेरे को जब भी वीडियो शूट करना होता है ना, लाइट चली जाती है, पता है? सुकून से हग लेगी, ये भी देखना है आपको। मैं अभी ना टट्टी करते हुए इंस्टाग्राम के रील्स देख रहा था। वो दोनों रील्स ना कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन के थे। मैं उन स्टैंड अप कॉमेडियन की बात नहीं कर रहा हूँ जो तमन्ना भट्ट के साथ वीडियो में आते हैं। कोई जोक मारे नहीं आते वो लोग, सिर्फ बैठने को ऐसे करने ही आते हैं वो लोग। वो लोग वीडियो में ऐसी कंडीशन खड़ी कर देते हैं कि तमन्ना भाई को बोलना पड़ता है, भाई जोक मार, तेरे को किसके लिए बुलाया यहाँ पे। अरे हाँ, मैं रील की बात कर रहा था, सॉरी। वो दोनों रील्स में ना जो कॉमेडियन थे वो लड़कियां ही थी। उनके जोक सुन के ना अभी तक मेरा पेट हंस रहा है, पता है? देखो, मैं इतनी देर से पिंक टावर लेके वीडियो शूट कर रहा था क्या? पहला वाला मैंने वीडियो देखा था, उसमें लड़की ने तो अलग ही जोक मारा था, छिन 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 छिपक, क्या ही था जोक इसमें। दूसरी वाली तो भाई अलग ही टी शर्ट और पैंट पहन के अलग ही कूल बन रही थी। वो कह रही थी कि नाइन्थ में हो ना तुम्हारा अभी तक हाथ अभी इतना अभी उठा है, अभी जब हमारी उम्र में पहुंच जाओगे तो और नहीं उठ पाएगा तुम्हारा। तुम्हारे जोक से ना मेरे गुर्दे अभी तक लड़ाई करेंगे दूसरे से कि क्या ही था वो, क्या ही था वो। कॉलेज टाइम पे तुम जो ऐसे रैगिंग किया करते थे ना, तुम लोग वहीं पे सीमित हो। ऐसे तुम स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम पे ना लोगों को ऐसे दारू पीने वाले को जोक मत सुनाओ। दारू पीने वाले को कोई भी जोक सुनाओगे ना वो तो उस पर भी हंस देगा। लगता है आपकी बीवी ने लगता है अभी अभी डाइटिंग शुरू की है पर पेट कम नहीं हुआ है, वो तो उसमें भी हंस देगा। नीले नीले अंबर पे कॉपीराइट क्लेम लगाए, भाभी तुम्हारी सेक्सी हो, गंदी हमारी नजर हो, सपने में जाके पास प्यास बुझा जाए। क्या गाना गाया है। आजकल लोगों ने ना लॉजिकल बातें करनी बंद कर दी हुई। लॉजिकल बातें तो क्या ही करना, अनलॉजिकल गाली भी देते हैं। मेरे को ये नहीं समझ आता कि ये बहन के लोड़े क्या होता है। हाँ, अगर तुम्हारे घर में अगर सब लेडीज लोग अगर फीमेल है तो फिर तो भाई तुम लोग दे सकते हो, फिर हम लोग सुनने को तैयार है। यही एक दिन गाली मेरे भाई ने पता नहीं किसी को दी थी, तो मेरे पापा आगे पीछे से बोलते हैं, भाई ऐसे गालियां नहीं दिया करते, हमारे गुरुजी ने हमको ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। गुरुजी गालियां देना बता रहे हैं, खुद के तो 8 बच्चे उन्होंने पैदा कर दिए, वो गंदी बात नहीं थी? बताओ। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये यूट्यूबर जो दूसरे होते हैं ब्लॉगर, वो इतना 8 मिनट का कंटेंट शूट कैसे कर लेते, वो भी इतना लूज लूज। मेरा तो इतना टाइट कंटेंट जो 2.5 मिनट का बना है उसी को मतलब की बनाने में मेरी जान चली गई है। फिर तो ऐसा कहते हैं लॉजिक एक ही लगाते हैं, कुछ भी नाप शराब बक देते हैं, सीधा हमारा अपना ब्लॉग पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं, है ना। हमारे रिश्तेदारों को ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मैं इतना पतला की हूँ। सीधी सी बात है, मेरे बाप के पास ना किसी के दादा का खाया हुआ पैसा नहीं है। शाम तक ना मेहनत का पैसा मिल जाता है, वो नींद भी एकदम सेक्सी वाली आती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। अगर आपके रिश्तेदारों को आपके करियर गोल से दिक्कत है तो उनको एक ही चीज बोलो, लौड़ा लोगे? आसमान से ना गर्मी का कहर बढ़ चुका है, वो छत पे हमने कबूतर को पानी पीने के लिए डाल दिया है, अब उसको पीना है ना पिए, अब ये तो उसकी किस्मत। गान को सूखा रखना है चाहे गीला रखना है ना। यार आज का मेरा ब्लॉग कहीं ज्यादा वल्गैरिटी में नहीं चला गया? बाद में पता चले पता नहीं कौन से क्लेम लग रहे मेरी वीडियो के ऊपर, मतलब कि ऐसा वीडियो हटाओ रे। आज के वीडियो मैं तो बोल रहा हूँ इधर ही डन करते हैं, कल के लिए भी तो कुछ रखना है कि सारा कुछ आज ही बक दूं मैं, हैं? चलो लाइक करो, शेयर करो मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल केनी को, बने रहो मेरे चैनल के साथ। बाय।